ये सेम वही सिलेबस है जो कि पीएमसी ने दी हुई है। ये बुक मुझे रिसीव हो चुकी है, ये बुक बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैंने ऑनलाइन रिव्यू की थी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबमिशन वाले उस्ताद चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। पीएमसी की तरफ से मुकम्मल डिटेल एमडी कैट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अथेंटिक अपडेट है पीएमसी की तरफ से, आपके नंबर ऑफ एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के कितने होंगे तो इस बार चेंज हुए हैं। पिछला नोटिफिकेशन था उसमें शॉर्ट सी समरी थी, परसेंटेजेस थी एमसीक्यूज की, लेकिन इसमें मुकम्मल डिटेल दे दी गई है कि आपका टेस्ट किस तरह होगा, टाइम कितना होगा और उसके अलावा एमसीक्यूज आपके कितने होंगे टोटल। ऑफिशियल अपडेट्स आपको मेहनत करके एडिटिंग करके साथ दिखाते हैं ताकि आपको पता हो कि ये एक पीएमसी की तरफ से है, तो इस पे वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो स्टूडेंट चैनल पर नया है, इसी तरह ऑथेंटिक अपडेट्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं एमडी कैट के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं पीएमसी की तरफ से, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया जिसमें स्टार्ट से लेकर लास्ट तक एक एक डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यूज इस बार होंगे। लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता 210 एमसीक्यूज थे और आपके लिए ये एक अच्छी खबर है कि मतलब 10 एमसीक्यूज आपके लिए कम हो गए। और अगली जो है एक तो अच्छी खबर है, सोने पे सुहागा, सॉरी क्या कहावत है ये भी बोल गया मुझे खुशी में आप लोगों की, 3.5 आवर्स लास्ट ईयर भी थे और इस बार भी 3.5 आवर्स हैं। मतलब ये है कि 10 एमसीक्यूज कम तो हुए हैं लेकिन टाइम आपको उतना मिल रहा है जो कि आपके लिए बहुत इजी होगा। टाइम ज़्यादा होगा तो इजीली आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे है कि आपका फॉर्मेट उसी तरह जैसे लास्ट ईयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है उसी तरह आपका होगा और 7 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आपका एमडी कैट होने जा रहा है। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं याद, आपकी डेट सिलेक्शन 20 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बिटवीन होगी और इस पर मैं डिटेल वीडियो भी आपको बता दूंगा कि क्या पैटर्न होगा, क्या आप उसके लिए कैसे डेट अपनी मर्जी की लेनी है, किस तरीके से आपको ईमेल वगैरह आएगी, वो सारी डिटेल सेपरेट वीडियो होगी डेट सिलेक्शन के बारे में। आपको पता होगा कि आपने एक खुद से मर्जी से डेट दी थी लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको वो डेट मिले, आपको एक ऑप्शंस दी जाएंगी 20 जुलाई के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम पास क्राइटेरिया, पिछला नोटिफिकेशन था उसमें सिर्फ डेंटल का दिया गया था, इसमें मेडिकल का भी दे दिया गया। एमबीबीएस की भी 65% वेटेज है, लास्ट ईयर भी यही थी। एमडी कैट को आपने पास जरूर करना है 65% के साथ। नेक्स्ट आगे पासिंग परसेंटेज बीडीएस के लिए जो है 55% है, ये कम कर दी गई, लास्ट ईयर 65 थी। अब नो नेगेटिव मार्किंग, लास्ट ईयर की तरह बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो अभी तक तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं पीछे। और अब आगे आपका डिटेल्ड पैटर्न आप देख रहे हैं, वेटेज सब्जेक्ट वाइज 34 बायो की वेटेज है और 68 एमसीक्यूज हैं। इसमें लास्ट ईयर से आप कंपेरिजन करेंगे तो एमसीक्यू थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, तो आपके लिए ये अच्छा है कि बायो के एमसीक्यू ईजी होते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री की 27% वेटेज है ऑलमोस्ट, यहाँ पर मेरे पास प्रिंटिंग में शायद एरर आ गया, 27.5 है या 27 है, तो आगे इसमें 54 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह फिजिक्स के 54 एमसीक्यूज हैं और ये शायद एक एक कम हुआ है इसमें। तो उसके बाद इंग्लिश के भी एमसीक्यूज 20 से अब 18 हो चुके हैं और लॉजिकल रीजनिंग के भी 10 से एमसीक्यूज सिर्फ 6 एमसीक्यूज हो चुके हैं। आपके इंग्लिश के कम होने का मतलब है आपको ग्रामर में क्वेश्चंस में लंबी लंबी स्टेटमेंट्स पढ़ के सर खपाने की जरूरत नहीं, इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग में भी सोचना पड़ेगा, सारा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा फिर जाके आंसर करना होगा, तो ये भी आपके लिए अच्छी न्यूज़ होगी। कि अब नेक्स्ट आ गया आपके लिए जो ईजी मीडियम और हार्ड पैटर्न है, 20% आपके एमसीक्यूज ईजी होंगे, जॉब के बुक की लाइन्स भी हो सकती हैं, 60% एमसीक्यूज आपके मॉडरेट होंगे, 20% एमसीक्यूज आपके हार्ड होंगे। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन में 70% क्वेश्चंस आपके रिकॉल बेस होंगे, सिंपल होंगे और 30% जो है आपके एप्लीकेशन लेवल होंगे। रिकॉल बेस मतलब बुकिश लाइंस टाइप और बुक से, दूसरा एप्लीकेशन लेवल ये है कि कॉन्सेप्ट वही होगा लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कोई आपको एक एग्जांपल दी जा सकती है, एक लंबा सा सिनेरियो दिया जा सकता है और उस आपने बुक के कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करना होगा। तो पिछली किसी भी वीडियो में इस चैनल पर आपको ये नहीं बताया गया कि पीएमडीसी फाइनली आ चुकी है, अभी तक पीएमसी ही है अपने नोटिफिकेशन जारी कर रही है। आप से रिक्वेस्ट है कि अपने एमडी कैट की तैयारी लाजमी शुरू करें और जो सिलेबस पीएमसी का जारी है उसमें सिर्फ गाउट का जो चैप्टर गाउट का टॉपिक है वो निकल चुका है और बाकी सेम जो 2021 वाला आपका
पैटर्न है, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। जस्ट गाउड का चैप्टर उसमें टॉपिक नहीं होगा। तो ये जो पीएमसी एमडी कैट बुक है ये बिल्कुल जो सिलेबस है पीएमसी का उसके अकॉर्डिंग है। ये आप ऑर्डर करके इसकी एमडी कैट की तैयारी शुरू कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स एमडी कैट में ले सकते हैं। लास्ट ईयर इस बुक से स्टडी करके स्टूडेंट्स के बहुत से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुए। तो नेक्स्ट इस हवाले से कोई भी अपडेट आएगी इस चैनल पर आपसे फौरी शेयर की जाएगी। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट सारे अपडेट्स आपको मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. Today I have received this book from sir that I have ordered 2 days before, and this book is totally according to PMC